तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हैं आकृति व्लॉग्स की एक और नई वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको बोला था जब हमने गाड़ी ली थी किया सेल्टोस कि मैं इसका अभी आपको एक बेसिक वॉकओवर दे रही हूँ, बट जब ये गाड़ी का काम कंप्लीट हो जाएगा, राहुल इसमें सारी मॉड्स करा लेगा, तब मैं इस गाड़ी का आपको एक फाइनल बताऊंगी कि इसमें क्या क्या कराया और कैसा है सब कुछ। कैसे हो सबके सब? बढ़िया भाई, सबके सब। तो आकृति को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। सो आज की वीडियो 5000 सब्सक्राइबर्स, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। सो आज की जो वीडियो आप लोग देखने वाले, इसमें मैं अपने मॉड्स बता रहा हूँ, इवन मेरी वीडियो में ही आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आकृति की वीडियो में ये आप लोगों को तो दिखा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ क्या क्या मॉड कराया। प्राइसिंग व्राइसिंग अगर देखनी है तो मेरे चैनल में जाना, मुसाफिर एके जोशी, बाकी आकृति ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करो। बाकी करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो हमने सबसे पहला काम क्या कराया था इसमें भाई? देखो, जैसे अगर मॉड के बारे में बात करोगे तो ये है किया सेल्टोस 1.5 HTE वेरिएंट, डीजल वेरिएंट है ये। और ये वेरिएंट मैंने इसलिए परचेज किया था क्योंकि मेरे को गाड़ी अपने टेस्टफुली बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इवन अगर आप लोग देखोगे टॉप मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेरे लिए नीडी नहीं है, जैसे एक क्रूज मोड है। क्रूज मोड का जिंदगी में हाईवे में तो इंडियन हाईवे में कभी यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच से कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो क्रूज मोड मिल रहा है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, एयर बैग की बात करोगे तो टॉप मॉडल में अगर 6 एयर बैग मिलते हैं और मेरे में 2 मिलते हैं तो वो मैटर करता है, लेकिन स्टिल जितने कॉस्मेटिक चेंज हो सकते हैं और जितने मतलब इलेक्ट्रिकल चेंज हो सकते हैं वो मैंने किए हैं। सारे मॉड वारंटी गारंटी के अंदर किए हैं। सबसे पहले गाड़ी के सामने आते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग जो गाड़ी देख रहे हो ये भाई फ्रंट से जो अगर आपको पास आएगी तो आप लोगों को जो है नॉर्मली ये चीज़ मिलती है इसमें, ठीक है। ये प्लास्टिक मिलता है, अगर नॉर्मली अगर आप लोग टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे तो उसमें आप लोगों को पहले से ही क्रोम मिलता है, जो कि आप लोग ऊपर की तरफ लगे हुए देख रहे हो। ये क्रोम मैंने पूरा आफ्टर मार्केट लगाया, यहाँ पर भी क्रोम लगाया था लेकिन मैंने हटा दिया। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि भाई मेरे को समझ नहीं आया। बाकी आपको बताइए, एक बार देखिए फ्रंट में कैसा लग रहा है जरा। क्रोम लग के बेटर लग रहा है। पहले जब हमने क्रोम लगाया था तो हमें लग रहा था क्रोम की ऐसी जरूरत नहीं है, बट अब देखो एक फाइनल लुक के उससे तो क्रोम लग के ये बेटर लग रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो आप लोगों ने देखा होगा टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको नॉर्मली जो है आप लोगों के क्यूब वाले टाइप में या फिर आइस क्यूब टाइप में जो है आप लोगों को फॉग लाइट मिलते हैं। पर पास लेके आओ, ठीक है। तो ये भाई ये मैंने अलग से परचेज करके जो है अपने सर्विस सेंटर से और उसके बाद मैंने इसमें फिट कराया है और बहुत बढ़िया चीज़ है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। उसी के साथ में जब बात आती है कि भाई कॉस्मेटिक चेंजेस में और क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो, तो GT लाइन में जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिप व्रिप लगी हुई आती है आगे, तो मैंने एक बार देखो नीचे की तरफ। ये तो बहुत बेसिक है, है? ये तो बहुत बेसिक तो है। बहुत बेसिक है तभी तो ये अलग है हटके। हाँ। और साइड में आ जाओ भाई, ये तो साइड फ्रंट प्रोफाइलिंग के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद अगर आप लोग साइड प्रोफाइलिंग के बारे में बात करते हो, टॉप एंड वेरिएंट में बात करते हो, तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको 215 का टायर मिलता है, लेकिन आपके भाई ने क्या अपग्रेड कराया, मैंने 225 का टायर डलवाया है, जिसमें 55 की मैंने उसकी एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि कम्फर्ट के लिए मैंने जो है उसका 55 का टायर रखा, जो कि भाई बहुत बेस्ट है। एक बार देखो जरा अलॉय चेक कराओ, आकृति का भी आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही औसम है। कुछ बताया थोड़ा सा, तेरे पास भी टॉप एंड वेरिएंट है, उसकी हम वीडियो लाएंगे उसकी तो, और इसकी फिर एक कंपैरिजन वीडियो भी तो लानी होगी। अपनी दोनों में से कौन सी गाड़ी बढ़िया लगती है? गाड़ी तो देख दोनों अच्छी है, बिकॉज आई लव किया सेल्टोस। मैं उसमें जिस दिन बैठी थी, चाहे रिव्यू करने के लिए गए थे उस दिन बैठी थी, उस दिन से मुझे इस गाड़ी से प्यार हो गया था, ठीक है। इसी के साथ में जो आप लोगों ने रेड लाइनिंग देखी थी वो आप लोगों को साइड में भी देखने को मिलेगी। देखो, इट लुक्स सो प्रीमियम, इट लुक्स सो गुड। इसी के साथ में अगर आप पीछे की तरफ में आ जाओगे तो मेरी गौर से ये पहली दूसरी होगी आई गेस किया सेल्टोस जिसमें आप लोगों को ये वाला डिफ्यूजर लगा हुआ दिखेगा। सो ये चार आप लोगों के एग्जॉस्ट वाला मतलब लुक वाला जो है ये चार एग्जॉस्ट नहीं है, ये चार एग्जॉस्ट के लुक वाला है। थोड़ा पास और आ जा। टॉप मॉडल में यहाँ पर क्रोम आता है, मैंने भी क्रोम लगाया है, नॉर्मल जो होता था वो पहले उसके ऊपर क्रोम लगाया है। यहाँ पर HD कैमरा लगाया, सेम जैसे कंपनी आपको लगा के देती है, कंपनी आपको आई गेस बीच में देती है, बीच में साइड में कहीं देती है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पोजीशन बहुत बस्त है। HD कैमरा है तो बहुत अच्छे देखने में लगता है। नेक्स्ट मॉड जो है वो मैंने करवाने का सोचा था लेकिन अभी तक नहीं करवाया, रीजन बीइंग छत को मैंने ब्लैक कराने का सोचा था लेकिन कराया नहीं अभी तक। सबसे बड़ी दिक्कत उसमें यही है कि भाई वो मॉडिफिकेशन पे आ जाता है ना, क्या पता चलान उलान की दिक्कत हो जाए। ऑल्दो मेरी दोनों गाड़ियों में है लेकिन स्टिल आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लेट्स सी सब कुछ कैसे रहता है। अभी थोड़ी गाड़ी नहीं है ना, डोर क्रोम रोम भी लगाना, भाई मैंने क्रोम रोम नहीं लगाया, मैंने गाड़ी के ऊपर PPF कराया था, ठीक है। PPF का फायदा क्या है, पेंट प्रोटेक्शन हो जाता है, स्क्रैच जैसे से गाड़ी बच जाती है। बाकी एक बार अंदर की तरफ अगर रखू आप लोगों को लेके जाएगी तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले वेरिएंट में बेसिकली आप लोगों को जो है ये गाड़ी ऑलरेडी फुली लोडेड टाइप की मिलती है, ठीक है। सीट कवर्स नहीं होते लेकिन मैंने सीट कवर लगाए हैं, ठीक है। कैसे लग रहे हैं बकेट फिट में जरूर बताना। जो उसका स्टीयरिंग है वो पहले से ही आप लोगों का माउंटेड बटन वाला आता है, एक बार मैं अंदर बैठता हूँ, ठीक है। तो सबसे क्लासी चीज जो इस गाड़ी के अंदर है
ठीक है भाई, वो है इसका ये 10 इंचेस का सिस्टम। आप लोगों को जो कंपनी सिस्टम मिलता है वो भी 10 इंचेस नहीं होता है, मैंने ये एंड्रॉइड सिस्टम लगाया। एंड ओनली कार इन दिल्ली कह सकते हो जिसमें आप लोगों को ये पूरा पियानो फिनिश में मिलेगा, नहीं तो सबके पास ये मैट कलर में ही है। ये मैंने अपने लिए स्पेशली प्रिंस को बोल के बनवाया था, वहीं पर अगर आप लोग थोड़ा आगे आओगे, ये भाई एक तरीके से डैश कैम है जो कि मेरा ड्यूल डैश कैम है। अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो नीचे दिखा आपको एक बारी, अगर इसमें वो ऐप कनेक्टेड हुई तो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा अगर आउटपुट कैसा आ रहा है। किस्मत की बात है, अगर इसमें वाईफाई कनेक्टेड होगा तो, नहीं होगा तो हम बाद में करके दिखा, कोई बात नहीं अभी कर देंगे, दो मिनट लगेंगे बस कनेक्ट हो जाएगा, क्यों नहीं होगा कनेक्ट। ठीक है देख लो कनेक्टिंग आ रहा है, कनेक्टेड आ गया, यहां से कनेक्ट योर कैमरा करा एंड देयर यू गो गाइस। सो आपको दिख रहा है आगे से जो गाड़ी जा रही है, मतलब पूरा इसमें आउटपुट जो है इसके अंदर दिख रहा है, इट्स अ बेस्ट थिंग। मैंने अपनी वीडियो में तक नहीं दिखाया, आकृति की वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एंड बेस्ट थिंग अबाउट दी एचटीए वेरिएंट, इन्होंने अपने स्टेयरिंग के माउंटेड बटन दिए हुए हैं, उसी के साथ साथ में माउंटेड बटन्स के साथ साथ में जो आपका एमआईडी और डिसेंट है, इवन जो आप लोगों के डोर्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती है। सिस्टम की बात करोगे तो मैंने आगे गाड़ी में ऑडिबल फिजिक्स का एरीज वाला जो कंपोनेंट है वो लगाया है, उसके ट्विटर की प्लेसमेंट देखो, एक येरा और एक ओरा। अब आप सोचोगे केवल मैंने एक ही डलवाया तो मैंने केवल आगे कंपोनेंट डलवाया है, कंपनी कैसे बेवकूफ बनाती है, ये जगह तो दी हुई है पूरा बोस वाला जैसा वो सिस्टम होता है, तो इधर हमने कंपोनेंट लगाया था लेकिन यहाँ पर कोई भी स्पेसिंग नहीं दी हुई है जिसकी वजह से मुझे कंपोनेंट लगाने पड़े। उससे फायदा क्या हुआ, मेरी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो गई है, थोड़ा अंदर अगर आपको लेके आएगी। ठीक है भाई, तो ये लाइटिंग जो है ये बहुत कम लोगों के पास एलईडी वाली मिलती है, तो ये हमारी ऑफिशियल स्टोर, जो कौन सा ऑफिशियल स्टोर है हमारा, मुसाफिर कार वाला जो द्वारका सेक्टर 10 में है। बिल्कुल आकृति ने आप लोगों को बता दिया, तो वहां से आप लोगों को इसको ऑफिशियली जो है वो अगर आप लोग परचेज करना चाहो कर सकते हो। एक चीज बहुत अच्छी है जो मैं नीचे की तरफ दिखाया था आप लोगों को, सो इसमें जो आप लोग देख रहे हो ये है आप लोगों के डबल फ्लिप मैट्स, और ये मैट्स बड़े अच्छे होते हैं, वेलक्रो वाले होते हैं, पूरे चिपके रहते हैं और ये डबल खुल भी जाते हैं, तो इसकी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। अब देखो भाई थोड़ा दिल्ली में कोरोना वायरस वाला थोड़ा सा अभी चीज स्टार्ट हुआ है, तो गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर रखो और जिसमें ज्यादा मात्रा हो अल्कोहल की, पीने की नहीं, मतलब जब लगाते हुए नाक में थोड़ा चढ़े बोला लगाओ क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे तरीके से क्लीन होगा, खुशबू अलग है, पीछे मत भागो। तो ये कुछ मॉड है जो कि मैंने अभी करवाए, अगेन अगर आप लोग मेरे YouTube वीडियो में जाओगे जो कि आई गेस इसके एक या दो दिन बाद आ जाएगी, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सब कुछ कैसा है। एंड बेस्ट थिंग अबाउट इट, अगर आप में से कोई भी ये मॉड करवा रहा है तो इट्स अ डिसेंट मॉड, मैंने अपनी वीडियोज में ये चीजें बताई हुई है कि कहां से इस काम को करा सकते हो। इवन जो मैंने गाड़ी में अपने, चलो आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है, आकृति के चैनल में ये एक्सक्लूसिव आ रहा है, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि जो आप लोगों ने फॉग लाइट लगते हुए देखा है, इवन कंपनी वाले कहते हैं भाई घर गारंटी वारंटी वाइड हो जाएगी, क्या करोगे कैसे होगा, तो भाई मैंने इसमें यूनिवर्सल वाली जो आप लोगों की रिले आती है वो यूज़ करी थी, फॉग लाइट रिले बोलते हैं उसको, मतलब पास में ला, ठीक है, तो मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूं। और बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार कि भाई इस गाड़ी के अंदर हर चीज़ के लिए स्पेसिंग बहुत अच्छी दी है, अगर आप लोग पास लेके आओगे तो आप लोगों को दिख रहा है ये, ठीक है, तो एक बार इस तरह पॉज रख, मैं एक बार गाड़ी की जैसे ही इग्निशन ऑन करूंगा आप चेकआउट करना, उसमें ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। हाँ जली, जल गई हाँ। तो ये बेसिकली इसके अंदर पूरा फ्यूज व्यूज सब कुछ लगा हुआ है, बाई चांस कुछ भी मिसहैप हो जाता है तो फ्यूज उड़ेगा और कुछ नहीं उड़ेगा। मैं डीआरएल चेक करा दे कैसा लुक लग रहा है, ये आइस वाले जो आइस क्यूब वाले ना ये बहुत ऑसम है। इसके बाद इन्होंने गोल वाले निकाले, पता नहीं वो थोड़े मेरे को, मतलब इससे महंगी गाड़ी के अंदर वो आ रहे हैं, उसमें प्रोजेक्टर टाइप के उन्होंने दिए हुए गोल, लेकिन मेरे को वो ज्यादा खास नहीं लगे, आई कैची नहीं है, लेकिन स्टिल एक अगर आप लोग लेने के उससे सोचते हो तो हाँ इट्स अ गुड चॉइस। एंड अगेन मैं HTE को कहीं ना कहीं कोशिश करके अपने टेस्टफुली मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक चीज जो मैं कराऊंगा आज नहीं, दो महीने बाद, तीन महीने बाद, चार महीने बाद, तो जो इसमें आप लोगों को साइड मिरर्स मिलते हैं दीज आर नॉट फोल्डेबल, इसमें इंडिकेटर्स नहीं है, इसका मॉड क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली दो या तीन महीने के बाद इसके आ गए साइड फोल्डेबल मिरर्स और मिरर्स आ चुके हैं, तो इसका जो साइड का गत्ता होता है उसमें बटन वाला ऑप्शन होता है, तो उसके लिए मुझे पूरा गत्ता चेंज करना पड़ेगा, इसमें एक रिले डलेगा एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। सब कुछ कपलर टू कपलर होता है, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने काम कराया एक्स वाई जेड जगहों से, उनके साथ हुआ क्या है, उनको बोलते हैं भाई पीछे का रिफ्लेक्टर डलवा लो कोई तार नहीं कटेगी, भाई वो लोग तार काट रहे हैं, मेरा सारा कपलर टू कपलर मैंने कराया, इवन जो बैक कैमरा लगा वो भी है। एक चीज़ और आप लोगों को अपडेट देता हूँ, अक्कू के चैनल के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर आप लोग भी कार लवर हो, आप लोगों को कुछ गाड़ी के बारे में जानना है, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टर आप लोग देख रहे हो ये आपको आफ्टर मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल मिलेगा, इसको गलती से भी मत लगवाना अभी क्योंकि भाई ये फिटिंग का नहीं आया है, वो लोग टेप वेप लगा के जुगाड़ करते हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय मुसाफिर, नेवर रिकमेंडेड। और बाकी तो भाई आई गेस आपको आइडिया मिल गया होगा, बाकी आकृति जो है वो थोड़ा सा और बात कर लेगी गाड़ी के बारे में, गाड़ी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में, वो आपको मुसाफिर के ऑफिशियल चैनल पे ही देख के मिलेगा और वो भी एक दो दिन में वीडियोस आ जाएगी।
तो गाइज आपने देख लिया कि गाड़ी में क्या क्या मौजूद है। एक बार पीछे वाली सीट्स के भी मैं कवर दिखा देती हूँ, उसकी फिटिंग कितनी अच्छी है और गाड़ी में जो लेग स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है जो। और हाँ, हमने ये ट्रे भी तो लगवाई है। अच्छा, मैं ये चीज बताना भूल गया आपको, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दो, नई गाड़ी ना साफ रहनी चाहिए। तो मेरी वीडियो में कुछ लोग मेरे को ये कह रहे थे कि भाई ये बेसबॉल का डंडा तो नहीं है, तो भाई इसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आ रही है, अगर इसको आप लोग चेकआउट करोगे तो ये बेसिकली लॉक है, ठीक है। ये स्टेयरिंग लॉक आता है, देख रहे हो स्टेयरिंग लॉक लगता है इसमें, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं अपनी वीडियोस में कवर करूंगा। एक चीज़ आपको पास आ जाए थोड़ा, मैं तो चीज़ बताता हूँ कि ये जो है बेसिकली ये दो ट्रिम्स आते हैं, दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट में दो ट्रिम्स आते हैं। इसी के साथ में जो आप लोगों की मेन ट्रे है, ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाती है, ये केवल टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है, इसके लिए थोड़ी सी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। टॉप एंड वेरिएंट वाला सेम चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगेन इट्स ए चॉइस, जो आप लोग चाहो तो आप लोग करवा सकते हो, लेकिन स्टिल इट गोज ऑन कि अगर आप लोगों को मन है कि भाई करवाना चाहते हो तो श्योरली यू कैन डू इट। और बाकी आकृति और कुछ है तो भाई तू देख ले। आई थिंक हमने सब कुछ तो कवर कर ही लिया ऑलमोस्ट। थोड़ा सा कुछ तेरे कुछ दिमाग में हो जो तू बताना चाहती हो ऑडियंस को? हमने इस पे कवर नहीं चढ़वाया ना अभी तक। किसमें? स्टेयरिंग पे। तो स्टेयरिंग में जो है गाइस बेसिकली इसमें कवर नहीं चढ़ाने हैं आप लोगों ने। अगर कोई ओईएम स्टाइल आप लोगों को ऑप्शन देता है तो कूड़ा भी नहीं गिराना है, ठीक है। मैंने कूड़ा पकड़ा हुआ तो मैं, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ लग गया था, मैं उसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो है भाई ओईएम स्टाइल वाले में जो है वो ऑप्शन इसमें होएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा दी हुई है पीछे, जिसकी वजह से कपड़ा नहीं फंस पाता है, तो ओईएम स्टाइल नहीं बन पाता है उसके। वो होता क्या, चलाते हो तो आपके हाथों में लगेगा, तो मत करवाना। बाकी आकृति जो है वो वीडियो को अपने अकॉर्डिंग बना लेगी। बाकी गाड़ी अंदर से बहुत प्रीमियम है, बाहर से बहुत प्रीमियम है। इसमें और टॉप मॉडल में आई थिंक एक बस दो तीन चीजों का माइनस का फर्क है। एक तो सनरूफ का तो नहीं कह सकते आप, लेकिन सनरूफ देखो आई पर्सनली लव सनरूफ, मेरे को सनरूफ बहुत पसंद है। बिल्कुल, अगर आप देखते हो तो यूसेज के उससे तो एक चीज जो हम लैक कर जाते हैं, जिसमें हम टॉप मॉडल कभी नहीं बना पाएंगे, बनाने में बना सकते हैं, नई गाड़ी को कटवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोगों को सनरूफ नहीं मिलता है, उसके बाद आपको एयर प्यूरिफायर नहीं मिलता है, उसके बाद इसमें लेन चेंजिंग कैमरे आते हैं जो कि टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं, बहुत ऑसम है, मैं चलाती हूं। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो बर्ड व्यू कैमरे होते हैं या फिर आप लोगों का वो कैमरा होता है, हम इंडियंस को आज भी इतनी आदत है, हम गाड़ी बैक करने से पहले बैक कैमरा नहीं देखते, हम लोग पीछे देखते। यार वो आदत पता है किनको है, जो इंडियंस पहले से चला रहे हैं, बट अब जो न्यू एज ड्राइवर्स हैं, जो नई नए सीख रहे हैं, उनको वो चीज ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, थॉटफुली हो सकता है अगर सोचते हो चीज। इसी के साथ में जो आप लोगों के से बहुत छोटे छोटे लेकिन अच्छे फीचर्स है, जैसे आप लोगों के ऑटो सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको लोगों को टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं। पीछे की तरफ अगर आओगे, अगेन ये कोई ऐसे नहीं है कि मरने वाले है कि भाई ये नहीं मिले तो मर ही जाएंगे, लेकिन इसके लिए है फीचर आप लोगों को। उसमें रियर आप लोगों का वाइपर मिल जाता है विद डिफॉगर, वो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक वो चीज़ है जो कि लैग, मतलब अगर मोटा मोटा मेरे से पूछोगे ना क्या चीज़ आप मिस आउट करते हो, तो भाई आप लोगों की सनरूफ, अगेन मेरे लिए इतना नहीं है लेकिन लोगों के लिए फर्क पड़ेगा। दूसरा ये डिफॉगर और जो ऑटो सेंसिंग वाला है, ऑटो सेंसिंग भी इतना, लेकिन डिफॉगर कहीं ना कहीं बहुत फर्क करता है। तीसरी चीज भाई लाइटें थोड़ी अलग टाइप की है, लेकिन अगेन इतना कोई मैटर नहीं है, लाइट वाइटें सब चेंज हो सकती है, वो आपके हाथों में। साइड फोल्डेबल मिरर कहीं ना कहीं वो चुभने वाली चीज है, जो कि मैं अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर में गिनता हूँ, लेकिन वैसे मेन में तीसरा है। कोई बात नहीं, हम हाथ से फोल्ड कर लेंगे, हम हाथ से फोल्ड कर लेंगे, आप लोगों को एक ओवरव्यू देना था वो मैंने दे दिया है। बाकी इसके अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको टॉप एंड में मिलता है। भाई मेरे पास स्विफ्ट तीसरे वाला स्विफ्ट यूज़ कर रहा था, तो इट वाज क्वाइट डिसेंट कि मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी इट्स गुड टू गो यार, इफ यू वांट टू बाय एनी कार इन डीजल और आप 1.5 लीटर चाहते हो, इट्स नॉट अ टर्बो वाला वेरिएंट, लेकिन भाई इट्स गुड टू गो थिंग कि अगर आप इसको खरीदना चाहो तो आंखें बंद करके खरीदो। हाँ, और हाईवे पे ये भी बहुत अच्छी भागती है। हाईवे पे तो हमने तेरे को पता है कैसी टेस्टिंग करते ही करते हैं, हाईवे पे बहुत अच्छी भागती है। तो गाइज विद दिस सेट ये वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना है, और बेल आइकन भी दबाना है। और इसके अलावा अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो लिखिए आकृति 7811, यानी कि AKRITI आकृति 7811, आकृति 7811, मुसाफिर 7811, ठीक है। अब बहुत जल्दी विशाल का भी बनवाएंगे 7811, ठीक है, विशाल 7811 बना देंगे, फिर हम तीनों का बन जाएगा, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। सो विद दिस सेट गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, सब चीजें तूने बताई दिया, बाकी सब आप लोगों को पता है, ठीक है। तो विद दिस सेट गाइस करते हैं आज की वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।